हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोगों को एकदम मौका मिल गया कि हम लोग किसी थोड़ी सी एक छोटी सी विज़िट पर जा सकें, तो हम लोगों ने जबलपुर का जो डुमना नेचर पार्क है वहाँ पर विज़िट किया, और हम लोगों ने वहाँ का कंधारी डैम दूर से देखा, क्योंकि वहाँ पर जो है खतरा था तो हम लोग नहीं गए, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे और काफ़ी धूप भी तेज़ थी। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तेज़ धूप हो गई थी, लेकिन जैसा भी घूमा, जो भी घूमा, हम आपको दिखाएंगे, अपने साथ घुमाएंगे। जो लोग जबलपुर में हैं वो तो देख ही चुके होंगे, जो लोग नहीं हैं वो इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसा है हमारा डुमना नेचर पार्क। सो दोस्तों, हम लोग निकल रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, और आप सब भी चलिए हमारे साथ, आपको सैर कराते हैं जबलपुर की, और देखते हैं वहाँ पे ओपन है कि नहीं। अभी तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं अभी ये तय नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत फ़ोन वगैरह किए लेकिन किसी ने उठाया नहीं। तो बस हम लोग जा रहे हैं, एक लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, और अगर खुला होगा तो हम लोग वहाँ घूमेंगे। आप रेडी हो उत्कर्ष? हाँ। ओके, ये आपका बैग है? ओके, चलो फिर चलते हैं। ठीक है। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet mentally. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. तो दोस्तों, हम लोग आए हैं डुमना नेचर पार्क, और पूरा परिवार साथ में है, और सबसे पहले हमारा स्वागत जो है वो बंदरों ने किया है, और ये खुला है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले डाउट लग रहा था कि ये खुला नहीं होगा। और ये बाहर का गेट है, पूरा ओवरऑल बाहर इतनी ग्रीनरी है, बस मन खुश हो गया इस बार तो। और ये टिकट लेने गए हैं विवेक जी, और उसके बाद हम लोग टिकट वगैरह कटाएंगे और अंदर देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी हम लोगों को मिलती है। वैसे मैं एक बार और आ चुकी हूँ, तो काफ़ी जो है पहले आई थी, साल डेढ़ साल पहले। और ये टिकट ले रहे हैं, ये अब हम लोग जो है साइकिलिंग करेंगे, साइकिल से ही पूरा अंदर हम लोग जाएंगे। 2.5-3 किलोमीटर है यहाँ पे, और बस हम लोग जो है इसी में ट्रैवलिंग करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं, पूरा ट्रैक साइकिल से ही तय करेंगे, और हम लोग हो सकेगा बीच बीच में क्लिपिंग वगैरह लेंगे, क्योंकि साइकिल एक हाथ से मोबाइल पकड़ना, एक हाथ से साइकिल असंभव है, और हो सकता है कुछ एनिमल्स भी मिल जाए, तो वहाँ पे हम रुक के ज़रूर कैप्चर करेंगे। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, जितने लोग साइकिल पे हैं उन लोगों को भी। ये क्या, इसमें डक थी?
यहाँ पे डक थी, पता नहीं हम लोग जैसे ही आए साइकिल से वो उड़ गई, और वो भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे एनिमल्स भी हैं तो केयरफुली हम लोग को जाना है। वैसे अभी तक तो हमें केवल बंदर मिले हैं और कुछ पक्षी मिले हैं तरह तरह के, बाकी देखते हैं। और साइकिल चला के मजा आ गया भैया कजन से, और ये लोग रुक रुक के फोटो के बहाने ना दम ले रहे हैं, सबकी दम निकली हुई है। मैंने कितने 13 साल बाद साइकिल चलाई है, और ऐसा है बीच में साइकिल से उतरे ना तो लगा कि अब तो यहीं पे धड़ाम हो जाएंगे, और सारे जो भी एनिमल होंगे उनको आज का जो है लंच हम लोग मिलने वाले हैं। मेरा बेटा चिल्ला पड़ा ये देखो यहाँ पे ना लोगों को जितना घूमने का शौक नहीं है उतना बैठ के ये बस बनाने का शौक है। देखो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बना रहे हैं। आप में से कोई मेरे हस्बैंड से मिलना चाहता था तो देखिए, ये है मेरे हस्बैंड और पूरी तरह से जिम्मेदार पति हैं। दाल रोटी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं भी एक कुशल गृहिणी हूँ तो दाल रोटी की जगह पनीर पूरी बनाती हूँ।